देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। 15 साल से संसदीय राजनीति में सक्रिय हैं राहुल गांधी। पिछले कई साल से जो चाहते रहे हैं कांग्रेस में वही हुआ है। लेकिन सक्रिय राजनीति में महज 15 दिन पहले कदम रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का सबसे आकर्षक चेहरा बन गई है। प्रियंका जहां जाती हैं उनके समर्थन में राहुल के मुकाबले ज्यादा ऊंची आवाज में नारे लगते हैं। तो क्या प्रियंका 2019 चुनाव में राहुल को पछाड़कर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगी? इस सवाल का जवाब हम तलाश करेंगे, लेकिन पहले देखिए अपने भाई के समर्थन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा से जब पूछा गया कि क्या ये चुनाव मोदी बनाम प्रियंका के बीच है, तो देखिए क्या जवाब मिला। सक्रिय राजनीति में प्रियंका के कदम रखने के साथ ही ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि रायबरेली या फिर पूर्वांचल की किसी लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका के बीच चुनावी मुकाबले की बात कही जा रही थी, लेकिन यूपी में खस्ता हाल कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए लखनऊ में डेरा डालने वाली प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। इसके साथ ही प्रियंका ने यह भी साफ कर दिया कि 2019 में मुकाबला प्रियंका बनाम मोदी नहीं बल्कि मोदी बनाम राहुल ही होगा। बिल्कुल, यदि वो ऐसा बयान ना देती तो लोगों को हैरानी होती, क्योंकि फिर उससे राहुल जी को थोड़ा पीछे हटना पड़ता और प्रियंका जी को सामने आ जाती। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो रणनीतिक बयान है और शायद वो जो परिवार के अंदर तय हुआ होगा उसके अनुसार ही बयान है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की जिम्मेदारी दी है। प्रियंका के कंधों पर पूर्वी यूपी के 41 लोकसभा सीटों को जिताने का जिम्मा है। कांग्रेस के रणनीतिकार और प्रियंका ये बखूबी जानते हैं कि 2014 में बीजेपी के सत्ता के शिखर पर पहुंचने में यूपी का बड़ा रोल था और यूपी में कांग्रेस की खस्ता हाल के कारण ही पार्टी कुल 44 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस नेतृत्व बखूबी जानता है यूपी में ताकत लगाने से न केवल पार्टी की सीटें बढ़ेंगी बल्कि बीजेपी की ताकत भी घटेगी, और यही वजह है कि इसीलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने प्रियंका के रूप में अपना तुरुप का इक्का चला है। प्रियंका को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है, शायद इसीलिए वो इधर उधर ध्यान भटकाने के बजाय अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूपी में ही लगाना चाहती हैं। मीडिया का हाइप अधिक प्रियंका जी पर होगा तो उनके बड़े भाई जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यदि नेपथ्य में जाते हैं तो उससे परिवार का ही नुकसान होने वाला है। परिवार के भीतर कोई लड़ाई है ऐसी दिखेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले ही कहा कि 2019 पर फोकस करने की बजाय आप 2022 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करिए, तो प्रियंका जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2019 के मुकाबले में प्रियंका अपने भाई राहुल की नैया पार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए प्रियंका ने दो टूक साफ कर दिया है कि मुकाबला तो मोदी और राहुल के बीच ही होगा। हालांकि सियासत की पिच पर भाई के लिए बैटिंग करने उतरी प्रियंका पर बीजेपी भी तंज कसने से नहीं चूक रही है। ना भाई हमारा लग्न नहीं करता तो बेन आई है, ना भाई हमारा लग्न नहीं करता तो बेन आई है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भले ही अपनी दावेदारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ही विराम लगा दिया हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जिस कदर प्रियंका को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं उसे देखकर ये कहना मुश्किल होगा कि प्रियंका खुद को कब तक चुनावी राजनीति से दूर रख पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।